हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माँ की रसोई में। तो आज चलिए हम बनाते हैं मखाने का रायता। ये थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा टैंगी है, क्रीमी है, थोड़ा सा स्वीट है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ईजली बन भी जाएगा इन 5 to 10 minutes। और गर्मियों में ऐसा ठंडा ठंडा रहता मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मखाना। मखाने को मैंने 2 हिस्से में सुधार लिया था, अब मैं इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए हमारा मखाना अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम एक बार इसे ऐसे प्रेस करके देख लेंगे, अगर ये ऐसे अच्छे से फूट रहा है इसका मतलब ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। मैंने एक मिक्सिंग बोल में 2 कटोरी दही लिया है, इसे हम अच्छे से फेट लेंगे। इसे बहुत अच्छे से फेटना है। अब मैं इसमें करीब 1 कटोरी पानी डालूंगी और फिर से अच्छे से फेट लेना है। ये देखिए हमारा दही अच्छे से फेट चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक एक टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर, एक टेबलस्पून पिसा हुआ जीरा, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, एंड 2 टेबलस्पून जैगरी पाउडर। मैंने गुड़ को पीस लिया था, मैंने वो डाला है इसमें, इससे एक बहुत अच्छा मीठा टेस्ट आएगा। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे रोस्ट किए हुए मखाना और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे गार्निश करेंगे अनार के साथ। हम इसमें अनार डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, बारीक सुधारा हुआ हरा धनिया, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। ये मिर्च तीखी नहीं होती है तो आप इसे आराम से डाल सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही क्रीमी, टैंगी, स्वीट, स्पाइसी एंड टेस्टी मखाने का रायता। आप भी इसे एक बार अपने घर पर ट्राई करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।